फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ एंड आज है मेरी बेटी का थर्ड मंथ्स बर्थडे, तो ऐसे ही घर पे छोटा छोटा सा बर्थडे कर रहे हैं फिलहाल। उससे पहले मैं कर रही हूँ फोटो शूट इसका थर्ड मंथ का, एंड उसका थीम जो है वो है रेड एंड वाइट, तो रेड एंड वाइट मैं पहनने जा रही हूँ, पहन लिया है एंड दिखाती हूँ बेटू को भी। रेड एंड वाइट थीम में मैं ड्रेस पहना रही हूँ, ये है अपर एंड लोअर, तो ये पहनाने जा रही हूँ और इसी में होगा उसका शूट। मैं दिखाती हूँ शूट जैसे जैसे होगा। एंड नायशा ने भी वियर कर लिया है रेड एंड वाइट, ये सब लोग दिखेंगे आपको रेड एंड वाइट थीम में। तो फाइनली इंतजार हुआ खत्म और अभी हो रहा है बेटी का फेस रिवील। ये तो 3 मंथ्स की हो गई है मेरी बेटी एंड ये रही, तो आप सब बताना कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी बेटी। ये रही मेरे घर आई एक नन्ही परी, तो यहाँ है मेरी प्यारी छोटी सी बेटी, तो इसका रेड एंड वाइट थीम रखा है मैंने एंड फ्लावर से 3 मंथ्स का डेकोरेशन कर दिया है और ये वैसे बहुत हैप्पी रहती है बट फोन में आज फोन देख रही है। सो यहाँ ये दोनों बेटियाँ मेरी, ये देखिए इसको भी मैंने शूट पे लिटा दिया है ऐसे। एंड अभी बारी है केक कटिंग की, यस, तो थर्ड मंथ केक कटिंग तो बनता है। तो फाइनली थर्ड मंथ की कटिंग के बाद आप सब भी इसको अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स ज़रूर से ज़रूर दें जिससे वो और अच्छे से रहे, खुश रहे। तो एंड अभी है मॉर्निंग नेक्स्ट डे एंड मेरा मेकअप था नेक्स्ट डे एंड ये मेकअप करने के बाद हम, ये देखिए बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ जैसा इनको चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही मेकअप हुआ है। उसके बाद हम रेडी हो गए हैं और यहाँ पास में ही मेरे घर के पास ही एग्जीबिशन लगी थी, बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी थी, तो मैं मम्मी पापा सारे लोग आ गए हैं। एंड बाय द वे आज मेरा है बर्थडे, तो मैं मम्मी पापा को लेके जा रही हूँ शाम को डिनर पे, सुबह से काम था शॉप पे इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया मॉर्निंग से। एंड यहाँ भी आ गए हैं गेम, उनको गेम में बड़ी मज़ा आई थी। एंड ये रहा हमारा फाइनली सबका लुक, फिलहाल यहाँ से चलते हैं। एंड यहाँ बहुत सारे सूट्स बहुत अच्छे आए थे, ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी, तो ये देखिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी जो कि बहुत ही प्यारी है। एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था, तो फाइनली यहाँ में आ गए लश कैफ़े। एंड आते ही यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बेटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा लो था, तो मैंने इसकी ड्रेस चेंज कर दी है। एंड यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लगता है, मैंने एक बार छुट्टी भी की है यहाँ पे, तो फाइनली चलिए करते हैं केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे, और अब तक का ये मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट बर्थडे है बिकॉज जो मेरा सपना था, मेरा इतना पहले मतलब सपना मैंने देखा था कि मेरी 2 बेटियां हों और वो ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से पूरी हो गई है और आज मेरे बर्थडे में मेरे साथ मेरी 2 बेटियां हैं। और छोटी वाली को मैंने अपने अकॉर्डिंग ड्रेस पहनाया है एंड सेम कलर कॉम्बिनेशन में, और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन हम पूरी फैमिली ने पहना है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सपना है जो पूरा कर दिया है ऊपर वाले की कृपा से। एंड जो ड्रीम मेरा पूरा करने के लिए है वो है मेरे हस्बैंड, उन्होंने उनकी सपोर्ट के बिना मेरा ये जो सपना था 2 बेटियों का, ये कभी पूरा नहीं होता, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, तो उनकी वजह से ही आज जो मेरा इतना पुराना सपना है वो है। और वो मुझे खुश होते हुए देख कर खुद भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, तो ये सब कुछ जो है वो उन्हीं की वजह से है, तो आई एम वेरी लकी जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। ट्राई किया मैंने इस बर्थडे को,
और यहाँ का एम्बियंस का सबसे खास बात यही है कि आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं यहाँ से। एंड अब ये रहा मेरा बर्थडे का फाइनल लुक, आप देख सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरे बर्थडे का ये लुक, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड ये ड्रेस मैंने कहाँ से ली है अगर आपको जानना है तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इसका लिंक बता दूँगी आपको। पहले हमने इंजॉय किया अपना स्टार्टर्स, तो हमने अपने लिए मंगाया था पनीर टिक्का एंड पापा ने मंगाया था अपने लिए नॉन वेज, तो उन्होंने अपना फूड इंजॉय किया और हम सब ने अपना फूड इंजॉय किया। उसके बाद फाइनली एज यूजुअल नायशा को खाना पसंद है तो खाना ऑर्डर हो गया है एंड सब ने ही बहुत अच्छे से इंजॉय किया खाने का। एंड यहाँ पे आज किसी बच्चे का बर्थडे भी था तो वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे बच्चे के बर्थडे को। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया एंड ये था आज का मेरा लुक, ऑल ओवर लुक आपने देखा ही है वीडियोज़ और फोटोज़ में। एंड ये मेकअप लुक मैंने कैसे किया है अगर आपको जानना है, देखिए वहाँ से रिटर्न होने के बाद भी फेस पे बहुत अच्छा सा शाइन है। तो इस मेकअप लुक को अगर आपको करना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर दोबारा से इस मेकअप लुक का पूरा ट्यूटोरियल दूँगी। फ़िलहाल चलिए अभी हम केक वहाँ खाए नहीं थे तो अभी केक खाना है, ये भी यहाँ लेट गई है, वो भी वहाँ लेट गई है, तो अभी मैं मेकअप रिमूव करती हूँ फिर खाते हैं केक, एंजॉय करते हैं केक को। एंड मेरा बर्थडे ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करिएगा एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। प्लीज़ खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।